हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। और आज मैं क्यों ब्लॉग बना रही हूँ, वो मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि आज मैं दे रही हूँ केक का ऑर्डर। और केक का ऑर्डर क्यों दे रही हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ ब्लॉग में, आपको पता चल जाएगा। हाँ, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि फिर आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आज का ब्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। और मेरी बहुत तबीयत खराब थी लेकिन दवाई खा के थोड़ा सा बेटर लग रहा है, अभी मैं बेटर फील कर रही हूँ। और यहाँ पे अभी बेदे स्कूल से आया है तो खा रहा है पाव भाजी। और ये चाची हैं जो कुछ ना कुछ मंगाती ही रहती हैं, पता नहीं कितना पैसा है इनके पास, इनके इतने सारे पार्सल आ चुके हैं। तो अभी मैं जा रही हूँ डांस क्लास, और जो मैंने केक का ऑर्डर दे दिया था वो भी बहन से लेके आऊंगी। और केक का ऑर्डर क्यों दिया था और क्या होने वाला है वो सब आपको ब्लॉग में दिख जाएगा, तो बने रहिए मेरे साथ। हम लोगों का जैसे ही डांस क्लास से वापस आए तो हम लोगों को लेने थी बन के सेलिब्रेशन की केक। तो गाइज बने रहिए मेरे ब्लॉग में, मैं दिखाती हूँ कि मैंने कैसे बन के सेलिब्रेशन किया है। तो यहाँ पे मैं बन के की केक ले आई थी और घर आके देखा कि बच्चे पार्टी तैयारी करने में लगे हुए हैं। तो यहाँ पर ये लोग डेकोरेट कर रहे थे, जाना कुछ तो नहीं किया था हम लोगों ने, जितना सामान था उतने ही हम लोगों ने डेकोरेट करके और हम लोगों ने पार्टी की थी। और यहाँ पे मैं करने वाली थी अपना मेकअप, तो यहाँ पे मैं मेकअप करने के लिए जाना कुछ यूज नहीं कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने ओनली गुलाब जल और टोनर लिया है। और यहाँ पे बच्चे देख ही सकते हो आप कितने प्यारे लग रहे हैं, सभी रेडी हो गए हैं और सभी लोग आ गए थे, सभी काफ़ी सुंदर लग रहे थे, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, बहुत मज़ा आया। यहाँ पे सब लोग आए, मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच गाइस मुझे सपोर्ट करने के लिए, मेरे बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट करने के लिए थैंक यू। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए, जल्दी मुझे 5K पे पहुँचा दीजिए। और यहाँ पे ये मुस्कान ब्लॉग स्टार्ट मतलब ब्लॉगिंग कर रही थी, वो मुझे दिखा रही थी। तो ये मेरा फाइनल लुक, आप कमेंट में ज़रूर बताना कि मेरा फाइनल लुक कैसा लगा। और मैंने ऐसे किया था बन के का सेलिब्रेशन, और केक भी हम लोगों की काफ़ी सुंदर थी, तो वो मैं अभी दिखाती हूँ, अभी ठीक से नहीं देख रहे थे। यहाँ पे सभी बहुत सुंदर लग रहे थे, अपनी अपनी पिक्स लेने में लगे हुए थे। और ये थी हमारी बनगे की केक। और यहाँ पे मैंने सभी बच्चों को बुलाया था क्योंकि बच्चों का भी बहुत मतलब बहुत हेल्प की है बच्चों ने मेरी, मैं उनको नहीं भूल सकती हूँ। काफ़ी लोग हैं ऐसे जिन्होंने मेरी हेल्प की है, वो मैं जब भी उसका अलग ब्लॉग बनाऊँगी, जब मेरे 5K कम्प्लीट हो जाएंगे ना, तब मैं उसमें नाम बताऊँगी किस किस ने मतलब मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया है। और यहाँ पर ये सारी मेरी फ्रेंड्स हैं जिनको मैंने बुलाया था, अभी मैंने जाना वैसा सेलिब्रेशन नहीं किया था, मैंने बस घर पे ही केक कट कर ली थी। जब मेरे 5K कंप्लीट हो जाएंगे तब मैं बहुत अच्छा सेलिब्रेशन करूँगी, सभी को बुलाऊँगी, इनवाइट करूँगी। और यहाँ पे केक कट होने के बाद सभी ने केक खाई, बहुत इंजॉय किया हम लोगों ने, काफ़ी अच्छा लगा सच में गाइस। आप मतलब मैं आपको बता नहीं सकती कि मेरी खुशी किस लेवल पर थी। और यहाँ पे काजल से बेल्ट नहीं लग रहा था, तो यहाँ पे शिवानी उसकी मदद कर रही थी लगाने में, और मैंने तभी ब्लॉग शूट कर लिया उसका। और यहाँ पे मैं चाची को दिखा रही थी, वो भी काफ़ी सुंदर लग रही थी। और आप लोगों को मेरी आवाज़ थोड़ी अजीब सी लग रही होगी क्योंकि अभी मुझे सर्दी हो गई है, मेरी तबीयत ख़राब है, इसलिए मेरी आवाज़ ऐसी आ रही है, पर जल्दी ठीक हो जाऊँगी मैं। और यहाँ पे ये सबको मैंने केक खिलाई, थोड़ा सा हम लोगों ने डांस वगैरह किया, केक वगैरह खाई, बहुत मस्ती की और काफ़ी अच्छा लगा। तो पता है गाइस दूसरे दिन मेरा एग्ज़ाम है और मैं सेलिब्रेशन करने में लगी थी, मुझे करना तो दूसरे दिन ही था, पर ये बच्चे नहीं आज ही करो, तो मुझे आज ही करना पड़ा, वरना मैं पेपर ख़त्म होने के बाद ही करती, पर कोई बात नहीं, हो गया, अच्छी बात है। पर यहाँ पर सभी ब्लॉग ब्लॉग का शूट करो सब।
और यहाँ पे हम सब लोगों ने पार्टी होने के बाद खाए समोसे, और समोसे भी काफ़ी टेस्टी थे, काफ़ी अच्छे लग रहे थे। अभी मैं ज़्यादा कुछ नहीं मंगा पाई थी, बस समोसे ही हम लोगों ने खाए, और जितना मुझसे हो सका उतना मैंने किया। और गाइस मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए ऐसे ही। और यहाँ पे सुबानी जा रही थी तो मैं उसको छोड़ने जा रही थी, मतलब बाहर तक ही छोड़ने जा रही थी, बहुत टाइम बाद आई थी वो मेरे घर। तो इसको छोड़ने के बाद फिर हम लोगों ने उसके बाद भी थोड़ा सा डांस वगैरह किया था, और यहाँ पे ये सब लोग कुछ ना कुछ बोल ही रहे थे, तो मैंने वो वॉइस ओवर, मतलब वॉइस ओवर कर दिए वो, इसलिए क्योंकि बहुत साउंड आ रहा था पीछे से। और यहाँ पे शिवानी चली गई थी, और यहाँ पे हम लोगों ने, तो अब पूरी पार्टी फाइनली फिनिक्स हो चुकी है, और अब जा रहे हैं हम लोग मुस्कान को छोड़ने। और आप देख ही सकते हो कैसी मैं छुड़ैल जैसी दिख रही हूँ। और तो मिलते हैं मुस्कान, मुस्कान तो यही रहती है, मैं कभी भी मिलती रहती हूँ इससे। तो एग्जाम के बाद आऊंगी मैं, ठीक है? तो आओ काजल, चलते हैं हम लोग इसको छोड़ने, क्योंकि ये अकेली थी और शिवानी को तो भैया से छुड़वा दिया था। तो ये है हमारी गली, और बहुत प्यारी लाइटिंग है गली में, तो काफी अच्छे दिख रहे हैं हम लोग। इतने तो हम लोग घर पर भी नहीं दिख रहे थे, इतने अच्छे है ना। और ये है हमारा शिव मंदिर, ऊपर से देखो। तो मुस्कान का घर आ चुका है, अब मुस्कान को टाटा बाय बाय गुड नाइट सब कुछ बोल के हाँ हम लोग जाएंगे अपने घर। तो बाय बाय, और ये है मुस्कान का घर, मुस्कान भी हाल अलविदा बोल के अब हम लोग जाएंगे घर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करना। हाँ, और जो चैनल पे नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, तब तक के लिए।